और दूसरे मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। मैं सबसे बड़ी हूँ तो सबसे ज्यादा भेंट मेरे को मिली है। देखो ऐसा बोलते हैं कि उसको घर नहीं लेके जा सकते। मंदिर की स्थापना हुई थी यहाँ पर बलि प्रथा चलाई बलि की। Hey guys, good morning and welcome back with my new vlog. तो कैसे आप सभी लोग, I hope सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं आई हूँ छत में थोड़ा सा योगा करने। और आज का मौसम देखो आप, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहाड़ एकदम क्लियर साफ दिखाई दे रहे हैं, हल्की धूप भी आ रही है पहाड़ों में और आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं और सामने से हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो रही है। और आज है हमारे गांव में पूजा जो हर साल दिसंबर के महीने में होती है, तो उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी फिलहाल फटाफट से योगा कर। हम लोग निकल गए मंदिर के लिए और साथ में पप्पू भी है मेरे। तो ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये वाला, तो यहीं पर है मंदिर। और आज के दिन दो मंदिर में पूजा होती है, एक में खिचड़ी चढ़ाई जाती है और दूसरे मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। तो अभी पहले जो पूजा होगी वो जहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं वहाँ पूजा होगी और उस मंदिर का नाम है सिद्ध बाबा का मंदिर। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, जब वहाँ पूजा फिनिश होगी उसके बाद दूसरे वाले मंदिर में पूजा स्टार्ट होगी। हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर पुजारी जी जो हैं पूजा कर रहे हैं। और ये मंदिर है सिद्ध बाबा का मंदिर और यहाँ पर खिचड़ी बनने की तैयारी हो रही है। खिचड़ी बनके तैयार हो गई है और सभी लोगों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिल रही है। तो अभी हम यहाँ पर बैठ के खाएंगे। मैं सबसे बड़ी हूँ तो सबसे ज्यादा भेंट मेरे को मिली है, देखो 51 रुपए और बाकी सबको 2-2 रुपए। इस मंदिर में पूजा खत्म हो गई है और हमने प्रसाद वगैरह सब खा के अब हम दूसरे वाले मंदिर में जा रहे हैं। उधर जो है बकरा कट गया है। तो ये है दूसरा मंदिर और यहाँ पूजा हो गई है और अब यहाँ कन्या पूजन होगा। तो अभी चाचा इस चीज की हिस्ट्री बता रहे कि इस मंदिर में क्यों हर साल पूजा होती है दिसंबर के महीने में, और सिद्ध बाबा के मंदिर की भी हिस्ट्री बताएंगे कि वहाँ खिचड़ी क्यों चढ़ाती है। हमारे वहाँ पूजा होती है, संजारी मैया का मंदिर है, हमारी ग्राम देवी है, तो ग्राम देवी का मतलब पूरे ग्राम सभा की है। तो यहाँ पर हमारी पूजा जो होती है ये हमारे पूर्वजों द्वारा उठाई गई है, उठाई तब गई जैसे इस समय कोरोना का जो प्रकोप आया था, ऐसे ही एक बार यहाँ पर हैजा एक बीमारी थी उसका प्रकोप आया था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी उसको रोकने के लिए, उस प्रकोप को रोकने के लिए भगवान की आराधना करके लोगों ने उनकी स्थापना करी थी। और वो जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी यहाँ पर बलि प्रथा चलाई बलि थी, उसके बाद तो यहाँ पर जो थी वो हैजा की बीमारी गांव तक नहीं आ पाई, यहाँ का कोई भी ऐसा कोई बीमारी की चपेट में नहीं आया। तो इसलिए तब से ये हमारी लगातार तब से पूर्वजों की रीत चली आ रही है। और ये इस महीने में इसलिए होती है क्योंकि ये है जो कहते हैं काला महीना, इस महीने में बस यही पूजाएं होती है जो कहीं भी हो, चाहे देव पूजाएं नहीं होती है इस महीने में, किसको अगर कहीं लगा भिगा हो या फिर जो बलिदान वाली पूजा होती है तो इस टाइप की पूजाएं होती है, इसलिए ये इस महीने में ये पूजा। अच्छा, मेनली बीमारी को दूर भगाने के लिए। हाँ, जैसे कोरोना भी इस समय कोरोना का जो प्रकोप आया था ऐसे ही एक बार हैजा भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, अब तो आज कुछ नहीं है। तो उस बीमारी को देख कर डर से तो लोगों ने भगवान को माना था कि भगवान की बीमारी यहाँ तक ना आए, क्योंकि जब ऐसा हुआ था तो कई लोगों को बताते कि पीछे जो सूखी नदी है यहाँ पर गाड़ा गया लोगों को, उस चीज के प्रकोप से बचने के लिए यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी गई और तब से यहाँ पर बलि प्रथा चली है और रेगुलर चली है। अगर एक दिन यहाँ पर कभी कोई साल छोड़ता नहीं, अगर कभी ऐसा हुआ तो तुरंत यहाँ पर मैया का प्रकोप देखने को मिल जाता है, बलि प्रथा बहुत जरूरी है और यहाँ इसलिए दी जाती है। और जो सिद्ध बाबा के मंदिर में खिचड़ी, देखो जहाँ बाबा की पूजा होती है तो मैया की भी पूजा होती है, चाहे उसको किसी रूप में पूजा होती है। शिव जी के मंदिर में शिव की पूजा होती है तो माता बाबा की भी पूजा होती है, तभी पूजा पूरी मान जाती है। तो पूजा होती है तो बाबा की पूजा जाना पड़ता है, तब ऐसे ही यहाँ पर जब मैया की पूजा होती है तो पीछे बाबा सिद्ध बाबा का मंदिर है गोरखनाथ का, तो उनकी भी वहाँ पूजा होती है। तो वहाँ पर आज हमने खिचड़ी वहाँ चढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार हमने खिचड़ी बनाई है, वहाँ पर खिचड़ी बना के खिलाई है, तो ऐसे ही हमारी पूजा। अच्छा, धन्यवाद आपका। Yeah.
भी मंदिर से मीट लेके आए थे वो हम लोग बना रहे हैं। सभी के खेतों में मीट बनने की तैयारी शुरू हो गई है। सब लोग अपने अपने खेतों में मीट बना रहे हैं। तो हमारे पड़ोस में जो दीसू लोग रहते हैं उनके वहाँ बन भी गया है और यहाँ पर चाची सर्व कर रही हैं। तो जो भी मीट हम लोगों को मंदिर से मिलता है बनाने के लिए वो हम सभी लोग अपने अपने खेतों की साइड में बनाते हैं और जिस साइड में मंदिर है खेत की उसी साइड में मीट भी बनता है और बाकी जो रोटी और चावल है वो आप लोग घर से बना सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं उधर साइड मंदिर है तो सब लोग ऐसे ही अपने अपने खेतों में किनारों में मीट बना रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो छोटी वाली आमा है उन लोगों का मीट बन रहा है। मतलब उस किनारे पे नहीं बना सकते हैं, बाकी बीच में बना सकते हो आप लोग। तो जो लोग मीट नहीं खाते हैं उनके लिए ये सूजी होती है और अभी मम्मी और आमा वही खा रहे हैं। मैंने भी यही खाई। कमेंट करके जरूर बताना और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।